सोलन में खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के नवनियुक्त उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि वो 100 दिनों के लिए एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं, जिसमें वह बोर्ड के अधिकारियों से जल्द ही उच्च स्तर की बैठक करने वाले हैं, ताकि वह अपने खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्डों के माध्यम से जरूरतमंदों तक न केवल पहुंचे बल्कि उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जा सकें। उन्होंने कहा कि विदेश के प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। खादी एवं ग्रामो उद्योग बोर्ड के नवनियुक्त उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने कहा कि वो युवाओं को न केवल स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि युवा उद्यमी बने और वह अपने साथ जुड़े हुए युवाओं को भी रोजगार उपलब्ध करवाए। उन्होंने कहा कि खादी एवं ग्रामो उद्योग बोर्ड की कार्य प्रणाली को बिल्कुल सरल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि पात्र लोग योजनाओं का फायदा जल्द से जल्द उठा सके। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री का सपना है कि देश में खादी को बढ़ावा मिले और ग्रामो उद्योग ज्यादा से ज्यादा स्थापित हो, ताकि बेरोजगारी कम हो। बस इसी सपने को पूरा करना उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य उद्देश्य ये है कि एक तो रोजगार के अवसर ज्यादा प्रदान करना, उस लक्ष्य को लेके चले हैं। हमारा बोर्ड विशेषकर जो छोटे और मझोले किस्म के काम करने वाले कामगार लोग हैं, उन्हीं को समर्पित है। छोटे छोटे, चाहे नाई की दुकान है, चाहे धोबी की दुकान है, चाहे कोई शटरिंग वाला है, चाहे कोई चर्मकार है, चाहे कोई मोची है, चाहे ये जो छोटे छोटे कारोबार हैं, इन कारोबारों को कैसे ऊपर उठाना है, इसके ऊपर ही हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। मान लो एक दुकान में दो काम करते हैं, वो चार कैसे करें, उनको लोन देना, उनको सब्सिडी देना, उस माध्यम से उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको अपलिफ्ट करना, इस दिशा में हम काम करना चाहते हैं और यही सपना लेके हम चल रहे हैं। और इसी टारगेट को लेके मैंने इस बोर्ड का विशेषकर वो एक आग्रह किया था कि मुझे इस फील्ड में काम करने की अनुमति दी जाए।